छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए, इसके बाद पूजा अर्चना कर शिव जी का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पूजन सम्पन्न कराया। इस दौरान उनकी पत्नी कौशल्या साय और परिवार के लोग भी शामिल रहे। पूजा अर्चना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज सावन महीने का आखिरी दिन है, आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन भी है, तो आज हमने यहाँ पूजा की है और प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में रहने वालों का जीवन सुखमय हो, सभी विकास के धारा से जुड़ें और मुझे सीएम का जो दायित्व मिला है उसे निभाने की बाबा महाकाल शक्ति प्रदान करे। शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और आज सावन महीना का आखिरी दिन है, पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, आखिरी सोमवार भी है और ऐसे पावन अवसर में हम सब परिवार छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं बाबा महाकाल के शरण में और उनका दर्शन किए हैं, विधिवत पूजा अर्चना किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, वहाँ के रहने वालों का सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, वहाँ पर आपस में भाईचारा हो, सभी लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आज उनका ही आशीर्वाद है कि इतना बड़ा गुरुतर दायित्व मुख्यमंत्री का मिला है, उसको निभाने की शक्ति भी वो प्रदान करें, ऐसा उनसे प्रार्थना किए हैं। और आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और संयोग से आज महाकाल की धरती में है, मध्य प्रदेश में है, तो समस्त मध्य प्रदेश वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं।